महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन में मंत्री नवाब मलिक के एक आरोप ने सनातन संस्था का गुस्सा बढ़ा दिया है। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को मिली धमकी पर चर्चा के दौरान नवाब मलिक ने सनातन संस्था को अपराधियों की संस्था बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस पर सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे की धमकी से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद मंत्री नवाब मलिक ने जिस तरह सनातन संस्था को बदनाम करने की कोशिश की वह राजनीतिक साजिश है और हिंदुत्ववादी संस्थाओं के प्रति उनकी दुर्भावना का संकेत देता। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर सनातन संस्था पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का संगीन आरोप लगाते हुए हमला बोला है। शीतकालीन अधिवेशन के दूसरे दिन नवाब मलिक ने मंत्री आदित्य ठाकरे को मिली धमकी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सनातन संस्था पर यह आरोप लगाया। इस पर गुस्साए सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने नवाब मलिक पर तीखा पलटवार किया। चेतन राजहंस ने कहा कि सनातन संस्था का आदित्य ठाकरे की धमकी से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद मंत्री नवाब मलिक ने राजनीतिक द्वेष के चलते हिंदुवादी संगठन को बदनाम करने की कोशिश की, जो उनकी दुर्भावना का संकेत देता है। चेतन राजहंस ने क्या प्रतिक्रिया दी, उससे पहले नवाब मलिक को सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय कलबुर्गी असेल, अध्यक्ष महोदय दाभोलकर जी असेल, सनातन सारखे या संस्था या हत्याचे मागे अध्यक्ष महोदय, मागच्या 5 वर्षांमध्ये या संस्थेने काय काय घडून आणलेलं अध्यक्ष महोदय, गोव्यामध्ये भाजपच्या सरकार असताना त्याला कुठेतरी पाठराखण करण्यात येत आहे, कर्नाटकमध्ये पाठराखण करण्यात येत आहे, 5 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये त्या संस्थेच्या पाठराखण करण्याचा काम करण्यात आला अध्यक्ष महोदय, बऱ्याचशा मंत्र्यांना धमकी येते अध्यक्ष महोदय, हे सगळं कनेक्शन आहे, एकमेकाला जोडलेला विषय अध्यक्ष महोदय। माझी मागणी आहे की तात्काळ आपण आदेश दिला पाहिजे की याची कुठेतरी एसआयटी नेमली पाहिजे। आज महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी को जिस प्रकार से धमकी आई है उस विषय में महाराष्ट्र की विधानसभा में चर्चा हुई। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो धमकी देने वाले हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम इन धमकी देने की जो कृत्य का निषेध भी करते हैं। परंतु महाराष्ट्र के विधानसभा में आज जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी, कोई भी संदर्भ न देते हुए बिना सबूत के जो महाराष्ट्र के मंत्रीद्वय है नवाब मलिक साहब या फिर छगन भुजबल जी, इन्होंने सनातन संस्था पर आरोप किए। मैं यह बताना चाहूँगा कि ये सारे आरोप झूठे हैं और राजनीतिक हेतु से प्रेरित है। मैं इन वक्तव्यों का निषेध करता हूँ। बिना सबूत के सनातन संस्था पर देशव्यापी बैन करने की मांग जो उठी वो दुर्दैवी है। कॉल द डॉग मैड एंड शूट हिम, ये जो कहावत है कुत्ते को पागल कहो और उसको मार डालो, इस प्रकार से सनातन संस्था की कार्रवाई करने का विचार हो रहा है जो निषेधार्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।